हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर राजीव नामदेव इंचार्ज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर वेलकम्स यू ऑल सिक्स सेमेस्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स द सब्जेक्ट सिक्स टू वन व्हीकल एयर कंडीशनिंग मॉड्यूल टू वी सी आर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एंड अवर टुडेज टॉपिक इज नंबर वन वी सी आर साइकिल आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं जिसमें कंप्रेसर है इसके बाद यदि हम मूव करें तो कंडेंसर है इसके बाद मूव करें तो एक्सपेंशन बाल्व है इसके बाद मूव करें तो हम एवोपरेटर है और वापस फिर कंप्रेसर है यानी इट इज अ साइकिल और ये जो चार कंपोनेंट के मैंने नाम लिए हैं ये मिलकर के एक चक्र बनाते हैं इसी को हम वी या वेपर कंप्रेशन रेफ्रेशन साइकिल कहते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे इन द लास्ट सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द रेफरेंट या प्रशीतक के बारे में हमने पढ़ा जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण या प्रॉपर्टीज गुणों के बारे में जाना इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन या बाष्प संपीड़न प्रशीतन के बारे में हम पढ़ेंगे प्रशीतन बाष्प संपीड़न प्रशीतन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इसका इंट्रोडक्शन इसकी वर्किंग इसका टी एस डायग्राम क्या होता है पी एच डायग्राम फिर इसके बाद पीसीआर सी आर साइकिल में पी एच टी एस डायग्राम का उपयोग करते हुए ब्लॉक डायग्राम का उपयोग करते हुए हम उसके फार्मूले देखेंगे सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे समरी असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ हम इस वीडियो का समाप्त करेंगे सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन आप देखिए पहले पहले लेटर है वेपर का वी कंप्रेशन का सी और रेफ्रिजरेशन का आर सो इट इज ऑल्सो नोन एज वी सी आर इट इज अ मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन इन विच रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेसिंग द वेपर बाष्प संपीडन प्रशीतन प्रशीतन की एक विधि जिसमें बाष्प को संपीडित कर प्रशीतन प्रभाव लिया जाता है बाष्प को संपीडित कर प्रशीतन प्रभाव लिया जाता है वेपर को कंप्रेस करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिया जाता है दैट्स वेट इज कल सी आर हमने एयर रेफ्रेशन के बारे में जाना था जिसमें कि रेफरेंट एयर होता था और वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता था बिटवीन द कूलर एंड रेफरेटर एवोबरेटर तो अनलाइक एयर रेफ्रेशन ये वायु प्रशीतन से किस प्रकार से भिन्न है इट यूजेज रेफ्रेंट इसमें भी प्रशीतक का उपयोग किया जाता है हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट आपने देखा होगा एयर जो होती थी वो सेंसिबल हीट के रूप में ट्रांसफर करती थी यानी टेम्परेचर चेंज होता था जबकि यहाँ पर फेस चेंज होता है इट चेंज इन द फेस क्योंकि ये लेटेंट हीट में लेटेंट हीट के रूप में हीट को ट्रांसफर करता है इसमें उस प्रतिशत का उपयोग किया जाता है जो कि ऊष्मा का स्थान स्थानांतरण गुप्त ऊष्मा के रूप में करता है गुप्त ऊष्मा यानी तापक्रम में वृद्धि नहीं होगी बल्कि अवस्था परिवर्तन हो जाएगा द्रव से गैस हो जाएगा या गैस से द्रव हो जाएगा इट रिप्लेसेस रिवर्सिबल आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन बाय इिवर्सिबल आइसो एंथल्पिक प्रोसेस आपने एयर रेफ्रेशन में देखा था चार प्रोसेस होती हैं तो उसमें से तीन वही रहेंगी लेकिन एक जो प्रोसेस है एक्सपेंशन वाली जो कि सम एंट्रोपी है प्रतिक्रम में सम एंट्रोपी प्रसारक की जो विधि है उसको बदल करके अप्रतिक्रम में यानी इिवर्सिबल प्रोसेस

प्रशीतन एवं वाताकूलन युक्तियों के अनुप्रयोग में किया जाता है तो इसका मतलब ये है आपके घरों में छोटी से छोटी चीज़ आप ले लें आपने देखा होगा मेडिकल शॉप में छोटा सा फ्रिज है आपके घर में बड़ा फ्रिज है छोटा एसी है बड़ा एसी है इन सभी में वीसीआर का उपयोग होता है तब आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ये चीज़ें आपके घरों में हैं हम देखें इंट्रोडक्शन के बाद अब इसकी वर्किंग के बारे में जाने वर्किंग में जो लिखा हुआ है पहले हम इसको चित्र को देखें इस चित्र में वर्किंग में हम ये बत जानेंगे कि यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले शुरुआत दिला है नंबर वन और टू वन और टू के बीच में है कंप्रेसर जिसमें कि कार्य किया जा रहा है कार्य करने का मतलब है कि इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा रन कर रहे हैं कॉम्प्रेसर या संपीड़क अब इसके बाद कलर चेंज हो गया रेड हो गया यहाँ तक तो ये जो रेड है इसमें भी दो कलर है ये जो डार्क दिखा रहा है ये वेपर दिखा रहा है और लाइट जो दिखा रहा है वो कैसा है लिक्विड है तो यानी वेपर से लिक्विड में बदलने के लिए अब हम इस वेपर जो कि हाई प्रेशर पर है इसको कंडेंसर में ले जाएंगे जहाँ पर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा लेकिन प्रेशर वही रहेगा एच पी यहाँ पर भी एच पी यानी उच्च दाब रहेगा और ये वेपर से लिक्विड यानी आप कंडेंसर बोले तो क्या कर रहा है ये रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है यानी इसको ठंडा कर रहा है लेकिन ठंडा होने से रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो कंडेंस हो रहा है इसलिए हम इसको कंडेंसर बोलते हैं उसका संगणन हो रहा है या इसलिए हम इसको संगणित्र बोलते हैं तो आपका क्या हुआ कम ने लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में बदला और कंडेंसर ने वे हाई प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर लिक्विड में बदला अब इसके बाद तीन पॉइंट से चौथे के बीच में लगा हुआ है एक्सपांशन बल्ब या प्रसारक युक्ति या थ्रोट या उपरोधन इसमें जो है आपका जो हाई प्रेशर लिक्विड है वो लो प्रेशर लिक्विड प्लस वेपर कुछ पोर्शन उसका वेपर बन जाता है तो निम्न दाब द्रव प्लस बास में बदल जाता है उपरोधन के कारण अब यहाँ पर कलर हो गया ब्लू मतलब ये लो प्रेशर यानी जो रेड वाला कॉम्बिनेशन था वो हाई प्रेशर था और ब्लू वाला जो है उसको देखेंगे आप वो है आपका लो प्रेशर यहाँ पर लिक्विड प्लस माइन्यूट वेपर जो है वो वेवर्टर में जाएगा और पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर पर और फिर से ये जो है कंप्रेसर में जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में द्रव लिक्विड टू वेपर इज़ कॉल्ड एवोपरेशन इसलिए हम इसको एवोपरेटर कहते हैं या द्रव जो है वो गैस में बदलता है जिसको हम बाषपन कहते हैं इसलिए हम इसको बाषपत्र भी कहते हैं तो एक बात क्लियर है इसमें कि ये जो कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व से यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो ऊपर की ओर हाई प्रेशर है नीचे की ओर लो प्रेशर है आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इस प्रकार वी सी आर में निम्नलिखित चार प्रक्रम होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर फोर्सेस नंबर वन एक से दो ये एक से दो के बीच में वर्क डन बाय आइसो एंट्रोपिक एक्सपांशन इन कंप्रेसर अभी आप आइसो नहीं समझ पा रहे हैं इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे बट इतना समझ पा रहा है कि कार्य किया जाता है कंप्रेसर पर जिससे प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम लो टू हाई संपीड़क पर कार्य करने से सम या याद प्रसार होता है दाब निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है अब कंडेंसर में देखें आप दो से तीन ये जो दो से तीन है इसके बीच में कंडेंसर लगा है यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है उसमें बाहर की तरफ एरो बना हुआ है क्यू आर तो हीट रिजेक्शन इसका मतलब रेफ्रेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड यहाँ पर वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर कहाँ पर हो रहा है कंडेंसर में या संगनित्र में हो रहा है तो ये संगनित्र है प्रेशर जो है वही है कांस्टेंट है और फेस चेंज हो रहा है पर से लिक्विड अब आप देखें थ्री टू फोर थ्री टू फोर के बीच में आप बात करेंगे तो इिवर्सिबल थ्रोटलिंग है एट कांस्टेंट एंथलपी तो यहाँ पर जो थ्रोटलिंग हो रही है इस दौरान एंथालपी कांस्टेंट होती है थ्री टू फोर और प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज फ्रॉम हाई टू लोड प्रेशर यहाँ पर कम होता है और ये थ्रोटल बाल कहते हैं और थ्री फोर टू वन में देखिए आप कि ये सिस्टम के अंदर जा रही है मतलब सिस्टम के अंदर कौन है रेफरेंट तो रेफरेंट हीट ले रहा है जिससे ये स्थान ठंडा बना रहता है रेफरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसको हम ओपरेटर कहते हैं तो वाष्पित्र में स्थिर दाब पर का अवशोषण होता है या हीट एबेड इसका मतलब रेफ्रिजरेंट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर लिक्विड टू वेपर मीन्स एवोपरेशन या इसको एवोपरेटर कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो वाष्पित्र में स्थिर दाब पर उषमा का अवशोषण होता है प्रसिद्धिक अवस्था द्रव से वाष्प में बदल जाती है अब हम आइए कुछ डायग्राम के बारे में जाने जो हम थर्मल जो हमने ए वन में पढ़ा था कि यह वाला जो लाइन है इस प्रकार की यह टेम्परेचर और एंट्रापी के बीच में है तो इसको हम टी एस डाइग्राम कहते हैं टेम्परेचर और एंट्रापी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला जो कर्व जाता है इसको हम सेचुरेशन कर्व कहते हैं जो मैं लाइन से बता रहा हूँ ये संतृप्त वक्र के नाम से जाना जाता है और इस वक्र की खासियत यह है कि इसके लेफ्ट में देखा जाए तो लिक्विड होता है और इस लाइन के बाद में देखा जाए तो गैस होता है या वेपर होता है जबकि इसके बीच में जो है वो आप देखते हैं लिक्विड प्लस वेपर का कॉम्बिनेशन होता है इसमें आप कांस्टेंट प्रेशर की लाइन के बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ यदि आप ओरिजिनल देखें तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर है वर्टिकल देखें तो वो आपकी कांस्टेंट एंट्रॉपी है लेकिन ये जो ब्लू कलर बताइए जो लाइन इस तरह से जा करके ऐसे होकर के इससे आगे बढ़ रही है तो इसको खास तौर से देखना है तो आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ये यह टी एस डाइग्राम बना हुआ है टी एस डाइग्राम में आप देखेंगे कि हंड्रेड आपने देखा होगा कि ये वन नंबर जो लिखा है वन नंबर की लाइन को हम देखेंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि हम हीट को दें हीट मतलब क्यू डेलक्यू अपॉइंट टी जो है डी एस के है एंट्रापी तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी तो आपने जीरो डिग्री के पानी को जब गर्म करना शुरू किया तो आप उसका टेम्परेचर देखिए जीरो से कितना हो गया हंड्रेड सबसे नीचे वाली लाइन अब इसके बाद आप हीट दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो द्रव अवस्था थी वो यहाँ पर जाकर के बाष्प अवस्था हो गई है तो इसके बीच में क्या हुआ इसके बीच में क्या होता है बुलबुले बनते हैं बुलबुले यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो क्या है आपका एयर और अंदर क्या रहता है पानी तो इस प्रकार से जो बुलबुले बनते हैं और उसके बाद पूरा बाष्प बदलता है और फिर यदि आप और गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है अब आप यदि ये हमारा वायुमंडलीय दाब पर था एक नंबर यदि दो नंबर को देखें आप अधिक दाब पर कार्य करें तो पानी जो है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा या इसके बाद यदि आप और बढ़ा दें तो यहाँ पर आप देखेंगे 150 डिग्री पर पानी बॉयल होगा यानी कि हमने ये देखा प्रेशर बढ़ने के साथ उसका बॉयलिंग पॉइंट बढ़ता है और यदि दो बार के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर बुलबुलें नहीं बनेंगे बल्कि लिक्विड जो है सीधा सीधा बाँस में बदल जाएगा ये क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक दाब प्रेशर पॉइंट कहलाता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ में दिखाना चाहता था कि यहाँ पर लाइन जो है कांस्टेंट प्रेशर की पहले ऊपर के आप देखेंगे ऊपर की ओर चढ़ेगी इसके बाद फिर हॉरिजेंटल हो जाएगी और उसके बाद फिर ऊपर की ओर चलेगी तो ये जो अंदर की जो कार्य हो रहा है जिस दौरान तापक्रम स्थिर है इस दौरान अवस्था परिवर्तन हो रहा है और टेम्परेचर नहीं हो रहा है तो इसका उपयोग हमारा रेफरेंट करता है तो मैक्सिमम साइकिल जो है वो इस जोन में होती है इसलिए हम इसको वेपर के नाम से जानते हैं ये था हमारा टी एस अब आइए एक और हम चार्ट के बारे में जाने जिसको हम बोलते हैं पी एच पी एच चार्ट की खासियत देखिए आप वही चूंकि फेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे संतृप्त वक्र तो सबसे पहले है प्रेशर उसके बाद यहाँ एक्स एक्सेस पर लिया हमने एच या एंथल्पी एंथल्पी किलोजूल पर के जी में है प्रेशर जो है बार में है मेगा पास्कल में है अब आप इसमें देखिएगा क्या क्या है तो यदि हम इसमें देखें यहाँ पर जो चार्ट बना है इसमें आप देखिएगा सबसे पहले जो है ये जो इस तरह का कर्व जा रहा है जो मैं लाइन से आपको बता रहा हूँ ये ये संतृप्त वक्र या सेचूरेटेड कर्व है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है और इस पर ये जो है सेचूरेटेड लिक्विड या संतृप्त द्रव है इस लाइन पर संतृप्त वाष्प है अगर हम लेफ्ट में देखें कर्व के तो ये हमारा द्रव है राइट में देखें कर्व के तो यहाँ पर वेपर है लेकिन यहाँ पर ये जो है लिक्विड प्लस वेपर या बबल्स फार्मेशन होता है आप रेड कलर से लाइन देखिए आप कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल ऊपर की ओर तिरछी लाइन जा रही है ये हमारा कंप्रेसर है यहाँ पर देखें आप ये आप बोलेंगे सर ये तो टेंपरेचर कांस्टेंट है यस कांस्टेंट प्रेशर पर क्या लेगा है कंडेंसर और इसमें से ऊष्मा निकल रही है एच जो है आपका वर्टिकल होता है तो नीचे की ओर आएगा तो ये अंथाल कांस्टेंट है इस दौरान आपका बाल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए फिर से वो ऑपरेटर है और फिर से कॉम्प्रेशर है यानी कि यदि हम देखें तो मैक्सिमम पोर्शन साइकिल का क्या है वेपर जोन में है इसलिए हम इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रेशन साइकिल कहते हैं अब इसमें लाइंस को पहले देखें ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन ये कहलाएगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन जबकि वर्टिकल लाइन आप देखेंगे ये जो खड़ी खड़ी आप लाइन लें, लें लेंगे इस प्रकार से ये कहलाएंगे कांस्टेंट एंथलपी यहाँ पर टेम्परेचर की लाइन देखिए आप इंटरेस्टेड टेम्परेचर की लाइन आप देखेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से बॉटम की ओर नीचे आएगी और उसके बाद जो वेपर जोन है उसमें वो ऑरिजेंटल हो जाएगी और फिर वापस जो है राइट right हैंड में वो डाउन साइड में आएगी तो अभी हमने जो टी में देखा था टी में क्या देखा था प्रेशर की लाइन कैसे चलती है पहले अप चलती है फिर ऑरिजेंटल होती है फिर और अप जाती है राइट में लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है जिससे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीड टेम्परेचर है ये ब्लू लाइन फिर नीचे की ओर आ रही है कर्ड होती हुई और यहाँ पर भी कर्ड ऊपर की ओर जा रही है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इंपॉर्टेंट है देखने के लिए जिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये हमारा पी एच डायग्राम है इसको और डिटेल से देखते हैं बनाइए इसमें आपको जो बताया ये वाला जो कर्व है ये प्रेशर ही अंथाल है आपको एग्जाम में पी एच डाइग्राम बनाने आता है तो आप इस प्रकार से एक कर्व बनाए इसमें एक बिंदु क्रांतिक दाब है ये और इस ये कर्व की ये वाली लाइन जो है ये संतृप्त द्रव रेखा है इसके लेफ्ट में द्रव रहेगा और राइट वाला जो कर्व का पोर्शन है वो संतृप्त बाष्प रेखा है यानी इस तरफ पूरा बाष्प रहेगा और बीच में जो है वो आपका बेपर रहेगा अब इसमें देखिए कांस्टेंट टेम्पचर की लाइन कैसी चल रही है कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन नीचे की ओर आ रही है आइसोथर्मल लिक्विड जोन में जो है वो बॉटम में आती है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप ये हॉरिजेंटल हो जाती है और फिर वापस जो है वे आइसोथर्मल लाइन ये लिखी हुई है ये नीचे की ओर तो टी बराबर कांस्टेंट है अब आप इसमें दूसरी लाइन देखिए यदि आप ओरिजिन ले जाएंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर होगी वर्टिकल होंगी तो वो स्पेसिफिक एंथलपी होगी अब इसका जो मैक्सिमम पोर्शन का जोन है वो राइट हैंड साइड का यहाँ पर ये जो जा रही है तिरछी लाइन ये सम एंट्रोपी लाइन या एस बराबर कांस्टेंट होता है और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं चार्ट में ये सम विशिष्ट आयतन या आई स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन कहलाती है तो ये लाइन आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगी जब भी पीएच डायग्राम बनाने को आएगा तो ये वाला चित्र आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि आप के पीएच डायग्राम में किस प्रकार से बनाया जाता है उसको समझा सकें चूंकि हमने टी और पी को देख लिया अब हम ब्लॉक डायग्राम के साथ वी साइकिल पर आते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको देखने में बहुत आसान है इसको समझिए सबसे पहले लाइन जो है ये आप एक रेड लाइन देख रहे हैं रेड लाइन के ऊपर का पोर्शन हाई प्रेशर होगा नीचे का प्रेशर लो प्रेशर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेड लाइन है यहाँ पर इस रेड लाइन के ये कहाँ सेंटर में है कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल के यानी कंप्रेसर में लो प्रेशर से क्या होगा हाई प्रेशर जबकि एक्सपन्शन वाल्व में क्या होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर कंडेंसर संगण देखिए वही कंपोनेंट है ये कंप्रेसर या संपीडक है एक से दो यहाँ पर कंडेंसर या संगणित्र है ये बेसिक कंपोनेंट कहलाते हैं ये संगणित्र है दो से तीन और तीन से चार के बीच में एक्सपेंशन वाल्व है और चार से एक के बीच में वाष्पित्र है तो वाष्पित्र लो प्रेशर कहलाता है या इसको हम एवोपरेटर प्रेशर या वाष्पित्र दाव बोलते हैं जबकि इसको हम कंडेंसर प्रेशर या उच्च दाब या संगणित्र दाब बोलते हैं और दाब उच्च से निम्न की ओर होता है एक्सपेंशन वाल्व में और यहाँ पर जो होता है कंप्रेसर्स में निम्न से उच्च होता है आइए अब हम इसको देखें सबसे पहली बात हमने ये कहा कि ये हमारा संपीडक है कंप्रेसर तो कंप्रेसर में आप सबसे पहले पीएच डायग्राम के लिए एक संतृप्त वक्र बनाएंगे और उसमें एक से दो आपको बताया था कि सम एंट्रोपी जो होती है एक से दो वो जो होती है आपकी कंप्रेसर में होती है तो ये लाइन जो होती है राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर जाती है तो लाइन इस प्रकार से बनेगी इस लाइन को क्या बोलेंगे आप सम एंट्रोपी या रुद्रोष्प आइसो एंट्रोपिक दो से तीन में देखिए आप यहाँ पर एक कंडेंसर है ये प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट है इसका नाम आपको पी से ही पता लग जाएगा कि दो से तीन जो है वो सम दाबी है इसमें क्या है कंडेंसर है अब हो क्या रहा है इसमें ये हम टी एस डाइग्राम से समझेंगे तीन से चार में दाब कम हो रहा है कहाँ पर हो रहा है एक्सपानशन वॉल में और चार से एक के दौरान देखेंगे कि जो लिक्विड पोर्शन है वो वेपर में बदल रहा है यानी दो गैसियस से क्या हुआ पहले वेपर और फिर क्या हुआ लिक्विड यहाँ पर लिक्विड वेपर प्लस लिक्विड होकर क्या बन रहा है ये वेपर में तो आप इसको देखिए नंबर पॉइंट पर क्या है हमारा यहाँ पर इसको हम ड्राई एंड सेचुरेटेड बोलते हैं शुष्क एवं संतृप्त बोलते हैं नंबर वन पॉइंट पे ये क्या है हमारा वेपर फिर अब जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा हाई प्रेशर वेपर देखिए लो प्रेशर से हाई प्रेशर हाई प्रेशर वेपर हाई प्रेशर लिक्विड दो पे हाई प्रेशर वेपर है और ये लिक्विड है ये वेपर सेचुरेशन कर्व से पता लग रहा है जबकि थ्री टू फोर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर और फोर टू वन में देखेंगे आप कि ये लिक्विड प्लस वेपर है यदि ये लाइन यहाँ होती तो लिक्विड होता लेकिन ये बीस से शुरू हो रही है ये लिक्विड प्लस वेपर है द्रव प्लस वाष्प है और वन में पूरा पूरा वाष्प हो गया लेकिन दाव लेसा ये पी एच डायग्राम बन गया ये वाला हमारा ब्लॉक डायग्राम कहलाता है जिसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं अब हम पीएच डायग्राम में देखा कि एक सचन कर्व इस प्रकार से बनता है और देखिए मैक्सिमम साइकिल जो है पीएच डायग्राम से कंप्लीट हो रही है तो आगे हम जो भी समझेंगे वो पीएच डायग्राम में न्यूमेरिकल करेंगे या आगे बढ़ेंगे आइए हम टीएस पर देखें ये हम देख चुके हैं कि एक से दो जो होती है वो हमारे अब टी के लिए भी आपको संतृप्त वक्र बनाना पड़ेगा आप बोलेंगे एयर रिफ्रेशन में क्यों नहीं बनाया यहाँ पर क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है फेस चेंज हो रहा है तो ये हमने पढ़ा था ये संतृप्त वक्र है जिसकी ये वाली लाइन सेचुरेट लिक्विड है ये वाली सैचुरेट वेपर है अब इसमें एक से दो जो है वो वर्टिकल जाएगी वर्टिकल जाने का पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पर जो है हम नाम समझ सकें कि ये आइसो एन है दो से तीन में देखिए आप पहले टेम्परेचर कम हो रहा है फिर फेस चेंज हो रहा है यानी हीट हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है कंडेंसर में थ्री टू फोर यहाँ पर तिरछी लाइन आती है एच नहीं है तो ये इस प्रकार से बनती है लेकिन प्रेशर डाउन होता है तो थ्री टू फोर ये है और फोर टू वन में आप देख रहे हैं कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है यानी कि हीट रेफरेंट ले रहा है एब्सट्रेक्ट कर रहा है एव से एव ठंडा हो रहा है लेकिन हमारा रेफरेंट जो है उसका फेस चेंज हो रहा है कहाँ से लिक्विड से वेपर की ओर यही साइकिल चलती रहेगी तो इस प्रकार से टी एस डायग्राम पी एच डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों को ही समझना एक साथ जरूरी है तो अब हम ये यूटिलिटी देखें ब्लॉक डायग्राम क्यों बनाते हैं जिससे कि हम ये सिंबल समझ जाएं कि कंप्रेसर कैसे बनाया जाता है कंडेंसर का सिंबल कैसे बनाया जा सकता है एक्सपेंशन वाल्व का कैसे बनाया जाता है वाष्पित्र का कैसे बनाया जाता है ये तो सिंबल है अब बीच की लाइन ली है हमने ऊपर वाली लाइन हमारी कौन सी हाई प्रेशर नीचे वाली क्या है लो प्रेशर तीनों में देखिए आप अब आप एक से दो जा रहे हैं कंप्रेसर यहाँ से नाम पता लग रहा है यहाँ से प्रोसेस पता लग रही कौन सी है सामेट्रॉपी तो एक से दो प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक कम्प्रेशन वर्डन ऑन कंप्रेसर कंप्रेसर में वर्क किया जा रहा है अब आप यहाँ पर देखें एच की वैल्यू लेंगे तो कंप्रेसर वन से टू के बीच में क्या हो रहा है वर्क हो रहा है तो एच टू आप नीचे आ जाएं तो एच टू मिल जाएगा ये एच वन मिल जाएगा तो एच टू माइनस एच वन जो होगा वो क्या होगा आपका वर्डन जो आपने कंप्रेसर पर किया अब दो से तीन में देखिए दो से तीन में क्या देख रहे हैं आप हीट रिजेक्ट हो रही है हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एच टू माइनस एच थ्री ये हो जाएगी हीट रिजेक्शन इस दौरान क्या हो रहा है हीट रिजेक्शन हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं पहले टेम्परेचर कम होता है फिर फेस भी चेंज होता है तो एच टू माइनस एच थ्री कहाँ पर हो रहा है आपका कंडेंसर में हो रहा है और हीट रिजेक्ट हो रही है यानी स्थिर दाब पर संग्रहित का निष्कासन हो रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे क्यू आर हीट रिजेक्टेड बराबर क्या लिखेंगे हम एच टू माइनस एच थ्री अब S3 H4 जो है वो दोनों बराबर होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस का नाम है पी एच डायग्राम से पता लग रहा है कि S3 बराबर H4 है ये स्थिर एंथैल्पी है और इसमें प्रेशर डाउन हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है एक्सपांशन वाल्व में हो रहा है और चार से एक यदि आप देखें तो ये कांस्टेंट प्रेशर है और आप देख रहे हैं हीट एडिशन हो रहा है या हीट एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है किस में में और वो जगह ठंडी हो रही है हमारी तो ये स्थिर दाब पर वास्तविक में उष्मा का अवशोषण हो रहा है यानी एच वन माइनस एच फोर तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप याद करिएगा क्लासियस का कथन जिसमें रेफेटर हमने पढ़ा था कि हमको ठंडक चाहिए तो कितनी ठंडक क्या हो जाएगी हमारी रेफ्रेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा क्यू ए कितना हो जाएगा एच वन माइनस एच फोर और जो हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कंप्रेसर का वर्क तो वो क्या हो जाएगा हमारा एच टू माइनस एच वन आ री अपन डब्ल्यू करके हम इसका सी ओ पी निकाल सकते हैं तो ये जो चित्र बनाया है काफ़ी आपको कंजस्टेड लग रहा होगा लेकिन कॉपी में आप इसी प्रकार से तीनों को एक साथ बनाइए एक ही लाइन में बनाइए अब आप प्रोसेस को एक से दो तीन चार पाँच एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से एक इसी प्रकार से लिख दीजिएगा ये अपने आप में परिपूर्ण है वी सी आर साइकिल का डिस्क्रिप्शन टी एस पी एच और ब्लॉक डायग्राम के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा कि सारी कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं वो पी एच डायग्राम से कर रहा है तो पी एच डायग्राम में हम न्यूमेरिकल्स का उपयोग करेंगे और हम देखेंगे टू से वन के बीच कंप्रेसर है कार्य होगा तो एच टू माइनस एच वन दो से तीन के बीच में कंडेंसर हीट रिजेक्शन है तो एच टू माइनस एच थ्री थ्री फोर्थ से कोई कैलकुलेशन हम नहीं लेंगे लेकिन जो इफेक्ट मिलेगा रेफेक्ट इफेक्ट या प्रशीतन प्रभाव वो वन फोर के बीच में मिलेगा तो एच वन माइनस एच फोर ये कैलकुलेशन हमारी चलेगी तो अब हम देखते हैं इसके फार्म आगे की चीज़ें जो कंप्रेशन होता है इसमें सिंपल वी में किस प्रकार होता है आप देखिए पॉइंट नंबर वन जो होता है ड्राई एंड सेचूरेटेड और पॉइंट नंबर टू होता है सुपर हीटेड यहाँ पर ड्राई एंड सेचूरेटेड और ये होता है सुपर हीटेड ये सिंपल वी सी आर है जब भी सिंपल वी पे वर्क कर रहा हूँ या वी कोई आपको कंडीशन ना दी हो तो आप यही चित्र बनाते हैं पी और टी और ये आप कंप्रेसर देख ही लिए हैं अब इसके बाद में यदि ये बोला जाए कि ड्राई एंड सेचूरेटेड एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन में ही चेंज आ रहा है बाकी सब तो वही है तो इस केस में पॉइंट नंबर दो जो होगा वो ड्राई एंड सेचूरेटेड लाइन पर होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यानी कि आप कंप्रेस जो कर रहे हैं वो लिक्विड प्लस वेपर को कर रहा है और बाहर जा कर के आपको ड्राई एंड सेचूरेटेड वेपर मिल रहा है इस प्रकार के कंप्रेशन को हम बोलते हैं ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेशन इसमें क्या है ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द इनलेट ऑफ कंप्रेशन तो पोजिशन जो चेंज है हम कॉम्प्रेशन के बारे में जान रहे हैं बाकी टू टू थ्री थ्री टू फोर फोर टू वन हम देख चुके हैं तो उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर देखिए कॉम्प्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनलेट और आउटलेट है, दोनों वेपर जोन में है तो यहाँ पर ये यह लिक्विड या वेट कॉम्प्रेशन या संपीडन तो ये वाली लाइन देखिए ये वाली मतलब सिचुएशन कर्व के अंदर पूरी पूरी साइकिल अंदर है अब आप इसके बाद देखिए यहाँ पर कि पॉइंट नंबर वन भी सुपर हीटेड है पॉइंट नंबर टू भी सुपर हीटेड है ये देखिए आप तो इसको बोलते हैं सुपर हीटेड कॉम्प्रेशन आगे आते हैं हम अपन अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि पॉइंट थ्री यहाँ पर ख़त्म नहीं कर रहा है लिक्विड में बल्कि इसको और ठंडा कर रहा है यानी कि कांस्टेंट प्रेशर में हमने फेस चेंज हो गया इसके बाद फिर लिक्विड को और ठंडा कर रहा है तो इसको टी से समझिए पहले इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है टू से टू डेज फिर यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है फिर और ठंडा हो रहा है तो ये जो थ्री के बाद थ्री डेज होता है इसको हम उप या सब कूलिंग या अंडर कूलिंग कहते हैं तो ये सब कूलिंग या अंडर कूलिंग है जिसमें आप सिंपल वाले में कहा थे कि था केवल हम थ्री तक लेकिन थ्री से थ्री डेज यदि हमने कर दिया तो वो हमारा कहलाता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन के बाहर भी हम लिक्विड स्टेज में ठंडा कर रहे हैं इसका एक और पोर्शन देखिए यदि हम यहाँ पर इसको ड्राई एंड सेचुरेटेड शुरू ना करते हुए इसको सुपर हीटेड जोन में करें तो वन से वन डेज कहलाता है अतीतपन हमारे लिए फेवरेबल चीज़ कौन सी है आइए इसको हम समझते हैं आगे यहाँ पर देखिएगा इस चित्र में अपन देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया है अभी कि कंप्रेसर से हम जा रहे हैं कंडेंसर में और कंडेंसर से हम आ रहे हैं ये हमारा जो है एक्सपानशन बाल में तो एक्सपानशन बाल में आप देखेंगे ये हमारा क्या है लिक्विड है लेकिन इसका टेम्परेचर हाई है और चूंकि हम ठंडक चाहते हैं हम क्या चाहें कि ओपेटर से एक जो लाइन आ रही है जो भले ही बेपर है लेकिन टेम्परेचर उसका डाउन है तो इनको आपस में हीट एक्सचेंजर से गुजारें हीट एक्सेंसर से गुजारने से क्या होगा अब आप देखिएगा कि जो कंप्रेसर में जा रही थी ड्राई एंड वो क्या हो जाएगी सुपर हीटेड और जो कंडेंसर से कंडर में जा रही थी वो क्या हो जाएगी सब कूल -cool. तो यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके सब कूलिंग कर सकते हैं और सुपर हीटिंग कर सकते हैं सब कूलिंग करने से क्या हो रहा है और सुपर हीटिंग से क्या हो रहा है सुपर हीटिंग से क्या होता है कि एक फायदा ये होता है कि कंप्रेसर के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं जाता और आपका पूरा के पूरा जो है कंप्रेसर के पार्ट्स जो है कंपोनेंट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होते हैं लेकिन वर्क डन बढ़ जाता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कंप्रेसर के अंदर जो जाए वो लिक्विड ना जाए बल्कि ड्राई एंड सेचूरेटेड या सुपर हीटेड वेपर जाए इसलिए हम ये सुपर हीटिंग करते हैं वन से टू और अब ये वाला क्यों करते हैं हम सब कूलिंग ये पी एच डाइग्राम से पता लगेगा ये देखिएगा यदि ये एच वन माइनस एच फोर होता फोर यहाँ था पहले आपका एच वन माइनस एच फोर लेकिन यदि आप सब कूलिंग करते हैं तो ये फोर जो है शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में तो ये डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलता है यानी आपको रेफ्रेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है आपका सी बढ़ जाता है तो सुपर हीटिंग तो हम कंप्रेसर को सेव करने के लिए करते हैं हालांकि इसमें वर्डन बढ़ जाता है लेकिन सब कूलिंग हम ज़्यादा प्रशीन प्रभाव लेने के लिए करते हैं तो ये हमारा डायग्राम था जिसमें हमने सब कूलिंग और सुपर हीटिंग के बारे में जाना अब हम न्यूमरकल्स पर आ जाते हैं न्यूमरकल्स क्या कहते हैं अब आप ये देखिएगा इसमें क्या हो रहा है सबसे पहले हमने देखा कंप्रेसर में क्या था एच टू माइनस एच वन इसको हम वर्डन कहते हैं चूंकि डायग्राम हमें एक किलो के लिए होता है तो ये पर केजी के जी कहलाता है वर्णन पर के जी या किया गया कार्य प्रति किलोग्राम डब्लू डी एच टू माइनस एच वन किलो जूल पर के जी ये सबसे पहले हम कंप्रेसर में थे अब हम आए कंडेंसर में संग्र में वहां क्या कर रहे हैं हम रिजेक्ट कर रहा है, है हीट पर के जी या निष्कासित ऊष्मा पर केजी जो है क्यूआर से लिखा और वो क्या हुआ एस टू माइनस एस थ्री किलो जूल पर केजी इसी प्रकार से अब हम रेफ्रेटिंग इफेक्ट देखें वन से फोर के बीच में प्रभाव प्रति किलोग्राम तो ये होता है एच वन माइनस एच फोर किलो जूल पर केजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोसेस के दौरान वी साइकिल में अब सी क्या होता है सी हम जानते हैं हम फार्मूला पता है रेफ्रेटिंग इफेक्ट अपन वर्डन तो आर आपका है एच वन और वर्डन है आपका एच टू माइनस एच वन तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट सी ओ पी यहाँ तक तो आप चार्ट की मदद से कर लिए अब ये जरूरी नहीं है कि हमारी साइकिल में जो है एक किलो ही हम रेफरेंट यूज़ करें हम एम फ्लो कर सकते हैं यानी किलोग्राम पर मिनट ये मात्रा डिपेंड करेगी साइज क्या है तो यदि हम एम का गुणा कर दें इन तीनों में तो क्या होता है देखिए हमको मिलती है कंप्रेसर की पावर कितनी पावर लगेगी तो हम एम और जो एच टू माइनस एच वन था उसका गुणा कर दें और उसको साठ से भाग लगाए क्यों क्योंकि एम किलोग्राम पर मिनट में है तो साठ से भाग लगाने पर क्या हो जाएगा किलोजूल पर सेकेंड या इसको हम बोलेंगे किलो वाट तो एम बटे साठ का गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगी पावर इसी प्रकार से एच वन माइनस एच फोर में हम एम का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगी कैपेसिटी लेकिन हम चूंकि टी आर में लिखते हैं तो एम बटे दो सौ दस कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वन टी आर जो होता है 210 किलो जूल पर मिनट होता है और ये पर मिनट में है तो हमें एच टू माइनस एच वन में यदि हम एम बाई सिक्सटी कर दें तो पावर मिल जाएगी और एच वन माइनस एच फोर जो आ रही है उसमें हम एम बटे दो सौ दस कर दें तो उसको हम कैपेसिटी के नाम से जानते हैं इसी प्रकार जो हीट रिजेक्टेड पर के जी है टोटल चाहिए हो तो आप एम का सिंपली गुणा कर दें तो वो किलो जूल पर मिनट में होगा हम इन सूत्र का उपयोग करेंगे आइए हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपने देखा होगा सीओपी के दो फार्मूले हो गए एक आपने देखा था टी एल अपन टी एच माइनस टी एल वो कॉर्नाट के लिए था लेकिन यदि कोई रेफ्रेंड का नाम दिया हो जैसे यहाँ दिया जा रहा है अमोनिया रेफ्रेंड हम पढ़ चुके हैं अमोनिया यदि अमोनिया आए तो सीओपी के लिए अब आप वो टी एच वाले फार्मूला यूज नहीं करेंगे कौन सा करेंगे एच वन माइनस एच फोर अपान एच टू माइनस एच वन आइए हम इसको देखते हैं एक अमोनिया वी सी आर्स ऑपरेट कर रहा है जिसमें कंडेंसर और रेबेटर का प्रेशर टेन और टू पॉइंट फाइव पा है आपको ये सभी चीज़ें निकालना है तो हम देखें ये अमोनिया क्या है आर सेवन वन सेवन और कन् प्रेशर क्या है इसका टेन बार पी सी यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या है टू पॉइंट फाइव बार तो हम इसको देखते हैं चार्ट पर ये एक्चुअली हमारे पास टेबल रहती है चार्ट रहती है वो हमारे पास है इसको और बड़ा करें तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है आर सेवन वन सेवन जो आप देख नहीं पा रहे हैं अमोनिया के लिए है प्रेशर और एंथल चार्ट है आप इसमें क्या करें कि ये जो सिचुएशन कर बना हुआ है अब आप देखें तो यहाँ पर टेन बार तो 10 टेन बार पर आप एक सीधी लाइन लें क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है ओके okay? इसी प्रकार टू पॉइंट फाइव बार पर आप सीधी लाइन लें अब पॉइंट वन चूँकि इसमें और कोई कंडीशन नहीं दी है कि सुपर हीटिंग है वेट है तो हम सिंपल मानते हुए वन से टू की ओर कांस्टेंट एंट्रॉपी पर चलें और जहाँ पर ये लाइन को कट करेगी वो हमें मिल जाएगा पॉइंट टू और यहाँ पर थ्री से हम सीधे नीचे जाए तो जो लाइन कट करेगी वो हो जाएगी फोर यानी एक बार फिर से बताता हूँ चार्ट में आप टेन बार दिया है तो टेन बार पर सीधी लाइन लें टू पॉइंट फाइव बार दिया है वो बटर का तो टू पॉइंट फाइव बार पर सीधी लाइन लें दो लाइन सीधी मिल गई थ्री पॉइंट जो है ड्राई एंड सेच्य मतलब सेच्यूरेटेड लिक्विड है वहाँ से सीधे नीचे जाए तो फोर मिल जाएगी तो यहाँ पर एच थ्री बराबर एच फोर हो जाएगा वन आपको मिल चुका है एच वन अब आप वन से कांस्टेंट एंट्रोपी ये जो लाइन देख रहे हैं इसके साथ साथ जाए जहाँ पर इस लाइन को कट करे वो पॉइंट टू होगा वो हो जाएगा एस टू अब इसको मैंने एनलार्ज किया यहाँ देखिए अब आप यहाँ पर इतने पोर्शन को ही लिया है तो हमको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो प्रॉब्लम दी गई है कि अमोनिया है और प्रेशर है टेन बार और टू पॉइंट फाइव बार ये यह हमने यहाँ से ले लिया है अब इसको मैंने एनलार्ज किया अब इसमें देखिए आप क्या है हमारा उद्देश्य है एच वन एस टू एस थ्री एच फोर निकालना तो अब हम सबसे पहले थ्री के नीचे फोर है सीधा सीधा H3 थ्री बराबर एच फोर आ रहा है तीन सौ बारह वन हम ड्राइंड सेचुरेट पर थे तो चौदह सौ छब्बीस और टू हमारा जो आ रहा है वो नीचे हमने देखा सोलह सौ सत्तर तो चार्ट की मदद से हम एच वन एच टू थ्री और एच फोर की वैल्यू लेंगे एच वन हमने देखा अभी कितना आया चौदह सौ छब्बीस टू आया सोलह सौ सत्तर और H3 थ्री बराबर एच फोर है कितना है तीन सौ बारह बस हम चार्ट की मदद से इनकी वैल्यू लेंगे ये सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी वर्डन पर के जी हीट रिजेक्टेड पर के जी या रेफरेड इफेक्ट पर के जी और सी ओ पी कैसे अभी हमने जो फार्मूले पढ़े थे उन्हीं को देखते हैं हमने चार्ट से पता लगा लिया है कि एच वन जो है चौदह सौ छब्बीस है वन फोर टू सिक्स किलोजूल पर के जी चार्ट से हमें पर के जी में मिलता है एच तो टू वन सिक्स सेवन जीरो किलोजूल पर के जी और एच थ्री एच फोर बराबर है तीन सौ बारह थ्री वन टू पर के जी और वर्णन पर के का फार्मूला क्या है एच टू माइनस एच वन आप रख दीजिए एस टू माइनस एच वन कितना आ गया टू डबल फोर यूनिट ज़रूर लिखिए किलोजूल पर के जी क्यू आर नंबर दो क्या था एस टू माइनस एच थ्री आप ले चुके हैं एस टू है एस थ्री है, है रख दीजिए आपको मिलेगा तेरह सौ अट्ठावन वन थ्री फाइव एट किलोजूल पर के जी या आरी पर के जी है आपका एच वन माइनस एच फोर आप यहाँ से ले लीजिए वन फोर टू सिक्स माइनस थ्री वन टू ये जो वैल्यूज हैं जो हमने निकाल हैं ट्रिपल वन फोर किलो जूल पर के जी और सी ओ पी के लिए हम पढ़ चुके हैं अपन वर्डन क्या है आर्य कितना है हमारा ट्रिपल वन फोर वर्डन क्या है टू डबल फोर डिवाइड कर दें तो आपको सी ओ पी मिल गया तो इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह कि वी सी आर लिखा होना चाहिए और रेफरेंट का नाम होना चाहिए जैसे हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है। F22, हैं एफ ट्वेंटी टू आप देख रहे हैं फ्री ग्रुप का ट्वेंटी टू नंबर का एक रेफरेंट है वी सी आर पर है कार्य करता है कंडेंसर एंड एवोबेटर टेम्परेचर पिछले सवाल में क्या दिया था प्रेशर अब हमको क्या दिया जा रहा है टेम्परेचर फोर्टी और माइनस टेन डिग्री इसमें कैपेसिटी दे दी प्रोड्यूस फिफ्टीन टी आर टीआर में जो दिया जाए वो कैपेसिटी है तो आपको रेफरेंट का नाम दे दिया एफ ट्वेल्व कंडेंसर का कंडेंसर टेम्परेचर दे दिया चालीस डिग्री एवोबेटर टेम्परेचर दे दिया माइनस फोर्टीन और कैपेसिटी दे दी फिफ्टीन टी आर यहाँ लिखना रह गया है तो अब आप आइए अब अपन चार्ट पर आएंगे कौन सा चार्ट देखेंगे एफ ट्वेंटी टू का पिछला हमने अमोनिया का देखा था अब एफ ट्वेंटी टू का चार्ट रेफरेंट के नाम से है आइए अब हम देखते हैं इसको इसको हम क्लास में और रिपीट करेंगे आपको हैंडस ऑन प्रैक्टिस करवाई जाएगी ये हमारा जो चार्ट है पूरा ये है हमारा एफ ट्वेंटी टू का ये पूरा चार्ट है इसलिए मैंने यहाँ लिया इसको डिटेल में आगे अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले जो दिया है ये दिया है क्या दिया है अब यहाँ प्रेशर नहीं दिया क्या दिया टेम्परेचर और लाइन आप देखते हैं ऐसी जाती है तो ऐसे जो दो लाइन है हम वो देखेंगे फोर्टी डिग्री वाली और एक लाइन सीधी खींच देंगे की लाइन व कर्व के अंदर जो है वो ओरिजेंटल होती है आप बोलेंगे ये तो प्रेशर है नहीं प्रेशर नहीं प्रेशर तो ये आ रही है इस प्रकार से आ रही है यहाँ से वो फिर यूँ जाएगी हमको इधर नहीं फोर्टी फोर्टी की लाइन पर हम एक लाइन खींच दें टू थ्री पॉइंट उस पर रहेंगे इसी प्रकार माइनस टेन वाली जो लाइन है उस पर हम खींच दें तो इस पर वन और फोर रहेंगे थ्री जो ये सेचुएशन कर्व है जहाँ पर क्रॉस करें उसको नीचे ले आएँ तो एच थ्री बराबर एच फोर और वन पॉइंट हमारा फिक्सड लाइन सैचुएटेड अब हम इसको इस लाइन के लंग जाए कांस्टेंट एंट्रोपी के थ्रू जहाँ पर इस लाइन को कट करें वो पॉइंट टू हो जाएगा तो इसको फिर अब हमने यहाँ पर लिया हुआ देखिए आप कैसा ये हमारा चार्ट था ये देखिए आप कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन जा रही है ये इसी के सहारे लिया तो वन से टू टू से थ्री में आप देखेंगे टेम्परेचर जो है आपका यहाँ पर और बढ़ा दो तो ये जो है थर्टी है ये फिफ्टी है तो बीच में ये फोर्टी पर तो फोर्टी फोर्टी यहाँ पर भी फोर्टी है यहाँ पर भी फोर्टी सीधी लाइन ले ली हमने यहाँ पर देखेंगे आप और नीचे जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है ज़ीरो फिर देन माइनस टेन पर माइनस टेन पर हमने लाइन ली है इसको हमने मिलाया थ्री फोर ऊपर पड़ा ये यहाँ पर देख रहे हैं आप तो ये टू फिफ्टी पर ही है तो टू फिफ्टी किलोजुल पर के जी आपको दिख रहा है चार्ट में ये आर ट्वेंटी टू के लिए है ये चार्ट का नाम भी दिख रहा है और वन को अभी आप ऊपर ले गए हैं तो यहाँ पर आपको चार सौ दो अमोनिया में आप नीचे थे तो नीचे से ले लिया ऊपर है तो ऊपर जो पास में वहाँ से ले लें तो चार सौ से थोड़ा सा आगे है ये चार सौ दो किलोजूल पर के जी है एच वन और इसी प्रकार टू को लिया तो ये आ रहा है अपना फोर हंड्रेड और फोर फिफ्टी यानी चार सौ चालीस के पास में है तो हमने चार सौ चालीस ये चार सौ चालीस किलोजुल पर के जी तो हमारा पहला पर्पज़ ये होता है कि हम जो भी रेफोरेंट का नाम दिया हो वो उसका चार्ट देखेंगे और जो भी टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर की लाइन पे सीधी लाइन खींचेंगे प्रेशर दिया है तो प्रेशर की और बाद में थ्री फोर को तो थ्री मिल जाएगा तो उससे फोर नीचे आ जाए और वन से आप चले जाएँ टू पर तो इस प्रकार हमको एच वन बराबर चार्ट से मिला फोर हंड्रेड टू किलोज पर के जी एच टू मिला फोर फोर्टी जूल पर के जी और एच थ्री बराबर एच फोर से मिला टू फिफ्टी जूल पर के जी आप गौर करिएगा कि जहाँ अमोनिया के लिए ये वैल्यूज कितनी थी चौदह सौ छब्बीस सोलह सौ सत्तर या दो तीन सौ बारह वो यहाँ पर कम हो गई यानी रेफ्रेंड का उपयोग वहाँ होगा जहाँ इस इतनी हीट को ट्रांसफ़र करना हो तो इसलिए इनका उपयोग अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर या सभी में होता है जबकि आप आइस प्लांट आप कोल्ड स्टोरेज देखें जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर हम अमोनिया का उपयोग करते हैं तो हमको ये मिल गए अब आप हमारे पास फार्मूले हैं कौन से फार्मूला देखिए आप एच वन एच टू एच थ्री वाला एच फोर अभी हमने चार्ट से या आर एक्स से ज्ञात किया है कैपेसिटी का फार्मूला क्या है एम बटे दो सौ दस एच वन माइनस एच फोर पहले हम ये क्यों रख रहे हैं क्योंकि हमको कैपेसिटी न्यूमरिकल में दी हुई है कैपेसिटी में हम रखेंगे फिफ्टीन टी आर में ही रहेगा एम बटे दो सौ दस करेंगे एच वन एच फोर रखेंगे तो यहाँ से एम की वैल्यू मिल जाएगी ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू किलोग्राम पर मिनट पावर के लिए एम बटे साठ एच टू माइनस एच वन एच टू माइनस एच वन आपके पास है एम आपने कैलकुलेट कर लिया है इट विल कम किलोवाट में आएगा थर्टीन पॉइंट वन टू सी के लिए आपने फार्मूला देखा ही एच वन माइनस एच फोर अपन एच टू माइनस एच वन तो डायरेक्ट रख दे इट इज फोर और टोटल एच आर के लिए आपको केवल एम का गुणा करना है तो मैंने बताया था कैपेसिटी में एम बटे दो सौ दस पावर में एम बटे साठ किलो वाट में ये टी आर में चूँकि टी आर में दिया था तो रख दिया और टोटल एच आर जूल पर मिनट में केवल एम से गुणा करना है तो इस प्रकार हमने फार्मूलो का कैसे उपयोग करना है किस प्रकार से हमको चार्ट देखना है और कैसे हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में हमने जाना तो इस प्रकार हमने देखा कि समरी के रूप में हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा है वी का इंट्रोडक्शन वर्किंग टी एस डायग्राम पी डायग्राम क्या होते हैं वी सी साइकिल का टी एस पी एच डायग्राम हमने कॉम्प्रेशन के लिए डिफरेंट देखे हैं सब कूलिंग सुपर हीटिंग और फार्मूले देखे और सिंपल न्यूमरिकल्स किया तो इस प्रकार आप ये जरूर कर सकते हैं कि वी क्या है पेपर कॉम्प्रेशन रिफ्रेशन क्या है इसका आंसर लिख सकते हैं जो मैंने बताया इंपोर्टेंट में एग्जाम्पल है वी सिस्टम टी एस पी एच ओ ब्लैक उसकी वर्किंग ये आप आसानी से लिख सकते हैं एक एफ ट्वेल्व अभी पहले ट्वेंटी टू कराया तो अब आप असाइनमेंट के लिए 12 नंबर का चार्ट खोलें और उसमें देखें 40 और माइनस टेन वही रखें जिससे आपको देखने में आसानी ना हो तो पहले में मैंने पर के और सी निकलवाया है दूसरे क्वेश्चन में मैंने अमोनिया के लिए ही लेकिन हमने टेम्परेचर पर किया था तो इसको प्रेशर पर कर दिया टेन टू और उसकी कैपेसिटी कर दी है तो आपको प्रैक्टिस के लिए आप इसमें मास पावर्स यूपी और टोटल एच आर निकालें तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना बी सी आर साइकिल क्या है उसमें कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है और हम इसकी हैंडसॉन प्रैक्टिस आप चाहें तो आपके पास टेबल या चार्ट हो उससे आप कर सकते हैं वीडियो देख करके अदरवाइज फिर हम क्लास में इसकी ऑन प्रैक्टिस करेंगे सजेस्टेड रीडिंग्स के लिए जो बुक्स मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ वही हैं जो कि आपके स्क्रीन पर हैं So this is all about our today's class. Thank you very much for watching this video.